गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला चल रही है, मीन्स रिविजन बैच चल रही है, उसकी दूसरी क्लास देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, पहली क्लास आपकी हो चुकी है, पहली क्लास से हमने आपके प्रोज के शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। आज हम लोग इस दूसरी क्लास से प्रोज के ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की इसमें श्रृंखला बनाई हुई है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके प्रोज वाले में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। तो पांचों चैप्टर से हमने दो दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है और बहुत बढ़िया श्रृंखला है। तो जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में दो प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दो प्रश्न पूछेगा, दो में से आपको एक करना होगा। तो प्यारे बच्चे, और एक कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा 7 नंबर का होगा प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास से आपके 7 नंबर पक्का होने वाले हैं, क्योंकि हमने इस तरह से श्रृंखला बनाई हुई है आपकी बोर्ड परीक्षा में। कोई ना कोई 10 में से तो 100% सी ही है, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th के जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, यहां पर चैप्टर 1 लिखे हुए हैं, द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे, इसके कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जल्दी से हम लोग उस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और आज आपका प्रोज प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोज का सिलेबस क्या है, प्रोज में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं, आज आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आज आपका मींस वो 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर का ये हो गया, 15 नंबर का आज क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे। दो क्लास में आपका 15 नंबर का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका पोएट्री वाले सेक्शन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन, मींस क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास, मींस क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर क्या दृश्य था, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स कहां पहुंचा, स्कूल पर पहुंचा, जब स्कूल में फ्रेंड्स पहुंचा तो कक्षा के अंदर दृश्य क्या था। तो प्यारे बच्चे, ए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखने हैं। तो यहां पर देखिए आपका क्या उत्तर हो जाएगा, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य, वाज वेरी क्वाइट, मींस बहुत शांत था, क्लास में बहुत शांति थी ना, तो क्या हो गया, इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, मींस बहुत शांत परिदृश्य था, ही सा दैट हिज क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट में सहपाठियों को देखा, हैड टेकन देयर प्लेसेस, वे अपना स्थान ले चुके थे, ऑलरेडी मीन्स पहले ही वे अपना स्थान ले चुके थे, इसका मतलब हो गया वो पहले ही आकर के अपने सीट पर बैठ गए थे। हिज टीचर एम हेमल, उनके उसके जो शिक्षक कौन थे, एम हेमल जो शिक्षक थे, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, मीन्स ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, चल थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक, टेरिबल मींस होता है भयानक, रूलर मींस होता है डंडा, डंडी या पटरी जो है कह सकते हैं, अपने भयानक लोहे की पटरी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने भुजाओं में लेकर के, अपने भुजाओं में अपनी भयानक रूलर मींस रूलर को लेकर के, अर्थात जो है डंडे को लेकर के या पटरी को लेकर के, वे ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। एक अच्छा का परिदृश्य बताया जा रहा है, अंदर सीन क्या था, जब फ्रेंड्स पहुंचा था तो सीन अंदर क्लास का क्या था, उस परिदृश्य को बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया। आगे देखते हैं, फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंड्स को दरवाजा खोलना पड़ा, हैड टू का प्रयोग करते हैं जब कोई काम मजबूरन करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंड्स को दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने से होकर के गुजरना पड़ा, और फ्रेंड्स को सभी के सामने से होकर गुजरना पड़ा, ही वाज ब्लेस्ड, वह शर्मिंदित हो गया, ब्लेस मींस होता है शर्माना, तो वह शर्मिंदगित हो गया, मींस शर्मा गया, एंड फ्राइटेंड, और भयभीत हो गया, शर्माने के साथ साथ क्या हो गया था, भयभीत हो गया था। एम हेमल साहिम, एम हेमल उसे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स जल्दी अपने स्थान पर जाओ, बिसाइड इट द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा भी पूरा स्कूल एकदम विचित्र सा दिख रहा है था,
एंड सोलम, सोले सोले मीन्स होता है शांत, विचित्र और शांत पूरा स्कूल दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम, लेकिन वह चीज जो अत्यधिक आश्चर्यचकित की, मोस्ट वाज टू सी, यह देख करके, मीन्स वह चीज जो मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित की वह यह था कि यह देख करके ऑन द बैंक बैक बेंचेज, पीछे वाली जो बेंचेज होती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव के लोग एकदम शांति से बैठे थे, लाइक देमसेल्फ मीन्स हम लोगों की तरह, मीन्स उन लोगों की तरह, मीन्स अन्य जो बच्चे थे उन लोगों की तरह, गांव के लोग भी आकर के वहां पर शांति से बैठे थे, यह देख करके, मीन्स यह अत्यधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। तो प्यार ची, यही हो गया क्लास के अंदर का परिदृश्य क्या था, ये उसका उत्तर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का परिदृश्य क्या है, व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है, तो क्लास के अंदर का परिदृश्य पूछा गया है, बाहर का जो है हॉल का नहीं पूछा गया जो भीड़ जुटी हुई थी, ये क्लास का अंदर का पूछा गया था, तो इसलिए हमने अंदर के परिदृश्य को बताए हुए हैं। सभी बच्चे आकर के बैठ गए थे और सबसे बड़ी जो है आश्चर्यचकित बात करने वाली थी कि गांव के बुजुर्ग लोग भी आकर के, सम्मानित लोग भी आकर के बैठे हुए थे, और मास्टर साहब जो है वह इधर उधर हमेशा आगे पीछे कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, और मास्टर साहब ने इस एमएमएल ने उसे क्या कहा हुआ था, तो छोटे फ्रेंड्स तुम लेट हो गए हो, इतना लेट काहे को हो गए हो, और जाकर के अपने स्थान पे बैठ जाओ, एक क्लास के अंदर का परिदृश्य होगा। तो प्यार ची, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास क्लास के अंदर का परिदृश्य क्या था, व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है, तो आप इसी तरह से लिख करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यार ची, दूसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ एट लास्ट, मींस अंत में, अंत में क्या घटित हुआ, हाउ डिड एमएमएल लास्ट द क्लास, एमएमएल क्लास की समाप्ति कैसे करते हैं। तो प्यार बच्चे, एम एम एल क्लास की समाप्ति कैसे करते हैं, वह अंतिम में बोल नहीं पाते ना, लिखते हैं कि जो है एक शब्द लिखते हैं, विवा ला फ्रांस लिखते हैं, बोर्ड पर बोर्ड पर लिखते हैं विवा ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस जिंदाबाद लिखते हैं, उसके बाद बच्चों को जो है बोल नहीं पाते हैं, मीन्स इतना भावुक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो बच्चों को हाथ से इशारा कर देते हैं कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें लास्ट में हुई थी। तो प्यार बच्चे, यहाँ पर देखो, एट लास्ट देयर वाज साइलेंस इन द क्लास, एक क्लास है प्यार बच्चे, डैश हो गया है, क्लास है, आप इसे सुधार लेना। तो एट लास्ट मीन्स अंत में, देयर वाज साइलेंस इन द क्लास, क्लास में क्या थी, एकदम शांति थी, अंत में क्लास में एकदम शांति थी। द टीचर एम हेमल, टीचर एम हेमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विथ वेरी पेशेंटली, मीन्स प्रत्येक चीज़ों को बड़े एकदम शांति से, बड़े शांति से, बड़े धैर्य के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, मीन्स व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे। ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ों को घूर रहे थे, गेज मीन्स होता है घूरना, वह प्रत्येक चीज़ों को घूर रहे थे, एंड वॉन्टेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, और उन सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में फिट कर लेना चाहते थे, मीन्स स्थिर कर लेना चाहते थे, बना लेना चाहते थे, जो क्लास का परिदृश्य था उन सारी चीजों को अपने दिमाग में बना लेना चाहते थे। एट लास्ट अंत में एमएमएल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और अंत में जो है एमएमएल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, टू का पीस ऑफ चाक, एक टुकड़ा लेते हैं चाक का, एक टुकड़ा लेते हैं, एंड ही रोट, अब वह लिखते हैं विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद, और वे क्या लिखते हैं, फ्रांस जिंदाबाद लिखते हैं। अब फ्रांस जिंदाबाद क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जो है जिस क्षेत्र में वो थे अब किसके अधीन आ गया, जर्मनी के अधीन आ गया है, अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं चलने वाली है, अब वहाँ पर जर्मन भाषा चलने वाली है, तो इसलिए जो है उन्हें अपने देश से लगाव है, लगाव की वजह से वह फ्रांस जिंदाबाद बोलते हैं। जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, यूक्रेन देखो डटा हुआ है अपने देश प्रेम की वजह से, डटा हुआ है, रसिया जैसे देश को जो है चुनौती दे रहा है 15-20 दिन से, अब तक हार नहीं माना हुआ है, तो ये होता है देश प्रेम होता है। तो वही बात है कि जब यहाँ पर उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया तो भावुक हो गए, क्योंकि इन बच्चों को छोड़ करके उन्हें जाना भी था, तो इसलिए ये कुछ बोलते नहीं, लिखते हैं वी वाला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर उसके बाद रुक जाते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दीवाल, और अपनी दीवाल के जो है विपरीत जो है अपने सर को झुका लेते हैं, विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही इंडिकेटेड, वह क्या करते हैं, इशारा करते हैं, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, वे अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं, मिस स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। दिस टाइप एमएमएल एंडेड द क्लास, इस तरह से एमएमएल ने क्लास की समाप्ति की है। तो
तो प्यार अच्छी सिंपल सी बात हो गई। MML ने कैसे क्लास की समाप्ति की है, उन्होंने पहले तो जो है चारों तरफ सब कुछ देखे और सारी चीज़ों को पहले एकदम धैर्यपूर्वक बता रहे थे। बताने के बाद एकदम पेशेंसली मीन्स धैर्यपूर्वक बताने के बाद वह प्रत्येक चीज़ों को इस तरह से देख रहे थे मानो कि सारी चीज़ों को अपने दिमाग में समाहित कर लेना चाहते हैं। उसके बाद हुआ क्या था, उसके बाद जो है उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया और विवाला फ्रांस उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। विवाला फ्रांस लिखा मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, ये शब्द उन्होंने लिखा। उसके बाद जो है वह दीवार के सारे थोड़े से झुके, झुकने के बाद जो है बिना कोई शब्द कहे बच्चों को अपने हाथ से इशारा किए कि अब तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी हो गई है। इस तरह से MML ने क्लास की समाप्ति किए हुए थे। तो प्यार से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप और भी कुछ लिख सकते हो। जितना एक्टिव किए थे ना वो सारी चीजें लिख सकते हो जो चीजें वहां पर लास्ट में घटित हुई थी, ठीक है। जैसे अन्य जो है सब्जेक्ट को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, और जो है प्रूसियन जो है जब सैनिक आ रहे थे तब घंटी की 12 बजे घंटी की आवाज सुनाई दी, प्रूसियन सैनिक आ रहे थे तब एक क्लास की समाप्ति करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको याद है वो सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। ये तो हमने 60 बनाने की कोशिश किए हुए हैं, ये बहुत 60 बनाने की कोशिश किए हैं प्यारे, तो इसलिए जो है आप उन सारी चीजों को भी लिख सकते हो। क्योंकि जब छुट्टी तब बहुत करते हैं, जब प्रूसियन सैनिक आने लगते हैं तब भी छुट्टी करते हैं, जब जो एक चर्च में घंटी 12 बजे वाली बज जाती है तब छुट्टी करते हैं। इन सारी चीजों को भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो प्यार ये आपका होगा पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का ये दो क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं कि अंत में क्या घटित हुआ था, MML क्लास की समाप्ति कैसे किए थे, और पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि क्लास के अंदर का सीन क्या था, परिदृश्य क्या था। ये प्यार हमें दो क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं पहले चैप्टर से। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर आपका क्या उनसे है, लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग मीन्स बसंत खो जाना, मुकेश और साहेब वाली कहानी। उम्मीद है आपको कहानी याद होगी मुकेश और साहेब की। मुकेश क्या रहता है, साहेब क्या रहता है, एक रैक पीकर होता है, कूड़ा करकट बीनने वाला होता है। और मुकेश क्या होता है, मुकेश जो है मुकेश बेंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता है, जो चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले परिवार होते हैं उस परिवार से जो है मुकेश क्या करता है, बिलोंग करता है। तो एक कहानी पहुंचे लास्ट स्प्रिंग की है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे, हुआ जो साहेब कौन था। पहला क्वेश्चन है सुहाज साहेब कौन था। व्हाट वाज दी प्लाइट मीन्स क्या दुर्दशा थी टू कंपेल हिम टू वांडर इन दी स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। वो कौन सी दुर्दशा थी जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर वह जो है कूड़ा करकट बीनते हुए भटक रहा था। वो कौन सी दुर्दशा उसकी हो गई थी, क्यों ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि जो है वह दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटक रहा था। तो पहले तो साहब कौन था, साहब जो है एक रैक पीकर बीनने वाले परिवार से बिलोंग करता था, पहले क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद उसकी दुर्दशा कहीं को ऐसी हो गई थी जब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, इंदिरा गांधी ने जब किया हुआ था तो जो है बांग्लादेश के गरीब लोग थे वो दिल्ली के आकर के सीमापुरी के क्षेत्र में बस गए, और जो अवैध रूप से आकर के बस गए थे। क्यों बच गए थे, क्योंकि बांग्लादेश में उस समय उस क्षेत्र में जहाँ से ये लोग रहते थे वहाँ पर उस समय उजाड़ आ गया था, मीन्स तूफान उफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो इसलिए वे इंडिया में आकर के बस गए। अब इंडिया में आकर के बस गए, एक तो अवैध है, तो बताओ इनका इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा ना। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखे हुए हैं, साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैक पीकर्स। साहेब जो रैक पीकर्स परिवार से क्या करता था, बिलोंग करता था। वाज अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का था, वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स, जो सड़कों पर भटक रहा था, आप दिल्ली मीन्स दिल्ली के, जो दिल्ली के सड़कों पर भटक रहा था, विथ हिज फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ, जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था। ये कौन हो गया, साहेब हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, साहब वाज अ रैक पीकर, साहब एक जो है रैक पीकर था, ठीक है। तो हु बिलोंग्ड फ्रॉम जो है सीमापुरी दिल्ली, जो सीमापुरी के दिल्ली से बिलोंग करता था। तो दिल्ली में एक सीमापुरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो है सारे ऐसे लोग आए हुए हैं, मीन्स जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में ही रहते हैं, वहाँ पर लगभग सभी रैक पिकर्स ही हैं, मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले ही हैं। अब आगे देखो, देवर दी स्क्वेटर्स, स्क्वेटर मीन्स होता है अवैध निवासी, देवर स्क्वेटर्स ये अवैध निवासी हैं, हमने बताया ना बांग्लादेश से आकर के जो है बस गए थे ना, तो देवर स्क्वेटर्स वे अवैध निवासी हैं, फ्रॉम ढाका मीन्स ढाका से आए हुए, ढाका मीन्स बांग्लादेश के ढाका से आए हुए वे अवैध निवासी हैं। वेयर दी स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड दियर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, जहाँ पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों को और जो है उनके घरों को क्या कर दिया था, बर्बाद किया हुआ था, मीन्स जहाँ पर बांग्लादेश में, ढाका के बांग्लादेश में जहाँ पर तूफान ने उनके जो है हरे
भरी मैदानों को और जो घरों को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसलिए वे आकर के दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में निवास करने लगे थे। तो इस प्रकार ए प्यारे हो गया। आगे देखो आगे क्या है, देवर सो पुअर, वे बहुत गरीब थे, दैट कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब थे कि स्कूल नहीं जा सकते थे। भैया रैग पिकर्स जो कूड़ा करकट बिनने वाले लोग हैं तो बताओ कैसे स्कूल जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। वही है, दियर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए उनके माता पिता भी किस पे डिपेंड थे, इसी रैग पिकिंग पे डिपेंड थे, मीन्स इसी कूड़ा करकट बिनने पे उसके माता पिता की भी आजीविका चलती थी। इन टोटल मीन्स पूरे में कह सकते हैं दियर पॉवर्टी वॉज द प्लाइट। आप देखो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनकी दुर्दशा की जो है कारण क्या है, ये जो उनकी दुर्दशा रैग पिकर्स की है उसका कारण क्या है, तो अब लास्ट में देखिए क्या लिखे हुए हैं, इन टोटल दियर पॉवर्टी वॉज द प्लाइट, मीन्स उनकी गरीबी ही उनकी दुर्दशा है, दैट कंपेल्ड साहब जो साहब को मजबूर कर दिया है, एंड अदर्स लाइक और उन साहब की तरह अन्य बच्चों को, हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, जो दिल्ली की सड़कों पर रैग पिकिंग के लिए क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। मीन्स गरीबी ही है जो ऐसी गरीबी है जो इनकी दुर्दशा के पीछे गरीबी है जो इन्हें जो है दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए क्या कर दिया है, रैग पिकिंग में कूड़ा करके बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। कंपेल मींस होता है मजबूर करना। तो भैया गरीबी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर गरीबी है ना तो समझ लो जो है परिवार कैसे चला रहे हैं ना माता पिता, ना समझ जाना कि बहुत मुश्किलन चलाते हैं, ठीक है। तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है इस दुनिया का। तो भैया रैग पिकिंग करना कोई चाहता नहीं, रैग पिकिंग करना कूड़ा करकट बिनना, लेकिन गरीबी के आगे कोई चलता किसी की नहीं है। तो प्यार बच्चे ए आपका हो गया कि साहेब कौन था और उसकी दुर्दशा के पीछे कारण क्या था, मीन्स जो दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था उसकी दुर्दशा के पीछे कारण कौन था, मीन्स किस वजह से वो मजबूर हुआ था। तो हमने कारण वह बता दिया कि वह जो है बांग्लादेश से जो है उसके मकान उकान क्या हो गए थे, तूफान आया था, तूफान में उसके पूरे हरे भरे मैदान समाप्त हो गए थे, घर उजड़ गए थे, इसलिए ये सभी कहाँ गए थे, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में आ गए थे। उसके बाद जो है यहां पर इनका मुख्य पेशा ही बना लिए थे रैग पिकिंग करना, ठीक है। और जो मेन कह सकते हैं गरीबी ही जो है इनके इस दुर्दशा के पीछे कारण था। ये प्यारे आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर प्यारे बच्चे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है और आपका दूसरे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, प्यारे ये 100% श्योर है मुकेश कौन था, साहिब कौन था, या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। इन चारों में से, इन दोनों तीनों में से कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं बनेगा, चाहे साठ में बने चाहे लॉन्ग में बने, बनेगा जरूर, ठीक है। तो हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू हिज लाइफ, वह अपने जीवन से क्या चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और किस चीज का फॉलो नहीं करना चाहता था। तो पहले मुकेश कौन था, मुकेश जो है फिर बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता था, फिरोजाबाद के जो है बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करने वाला जो है एक चूड़ी बनाने के परिवार से था, अर्थात तो एक परिवार से यंग लड़का था ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो है व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में करना क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था ना तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, वह किस चीज को फॉलो नहीं करना चाहता था, सिंपल सी बात है, वह जो है बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता है, चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता है, वह अपने परिवार की तरह चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता है, वह बनना क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बस अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया होता तो आपका कंप्लीट कर दिए होते इतने में, ठीक है, लेकिन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कुछ बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। इसमें देखो मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मुकेश जो है एक गरीब परिवार का लड़का था, हुज फादर वाज अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिता एक गरीब क्या था, बैंगल चूड़ी बनाने वाले थे, कहाँ से, फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले गरीब पिता उसके थे, मीन्स सिंपल सा हो गया, मुकेश एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जिसके पिता एक गरीब जो है चूड़ी बनाने वाले परिवार के थे, मीन्स फिरोजाबाद के उसके जो है पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार के थे, मीन्स उसके पिता गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार के थे। He wanted to be a motor mechanic. अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि वह बनना क्या चाहता था, उसका उत्तर He wanted to be a motor mechanic in his life. वह अपने जीवन में motor mechanic बनना चाहता था, मीन्स गाड़ी वाड़ी सुधारना चाहता था, ठीक है। So he told that he wants to drive a car. इसलिए उसने कहा हुआ था कि वह कार ड्राइव करना चाहता है, मीन्स कार को चलाना चाहता है।
इसीलिए उसे निकाला हुआ था क्योंकि वह जो है मोटर मैकेनिक अपने जीवन में बनना चाहता था। ये हो गया। आगे देखो प्याचे, इब्री अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में व्यस्त था। मीन्स फिरोजाबाद के प्रत्येक दूसरा परिवार सभी जो है चूड़ी बनाने में व्यस्त थे। मीन्स आधी पॉपुलेशन ही वहाँ की चूड़ी बनाती है। द ड्रीम ऑफ मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस, जो उसका ड्रीम था जो है अपने माता पिता के बिजनेस से अलग था। एज बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, जैसा कि उसके फिरोजाबाद में उसके माता पिता का जो है इनकार क्या था कि जो है बैंगल मेकिंग करेंगे, चूड़ी बना रहे होंगे, तो इस प्रकार से इसका अलग जो है वे था, इसका अलग ही जो है ड्रीम सपना था, मिस मुकेश का अलग ही सपना था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस, वह अपने परिवार के बिजनेस व्यवसाय को फॉलो नहीं करना चाहता था, उस चीज़ को नहीं करना चाहता था। बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग चूड़ियाँ बनाने का जो व्यवसाय चलता है वह उसे फॉलो नहीं करना चाहता था। मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ, मुकेश जो है अपने जीवन को इस तरह नहीं चाहता था। हाँ, इस तरह नहीं चाहता था। मिजरी मीन्स गरीबी में मुकेश अपने जीवन को नहीं चाहता था। एज हिज पेरेंट्स हैड डन, जैसा कि उसके माता पिता ने किया हुआ था। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, वह किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता था, तो फॉलो ही नहीं करना चाहता था जो उसके माता पिता का बिजनेस है बैंगल मेकिंग का, वह उसको फॉलो नहीं करना चाहता था। ये लाइन में यहाँ पर इस चारों पाँचों छः लाइन में उस चीज़ को कवर किए हुए हैं। तो ए प्यारची आपका हो गया, हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो का ये आपका क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर चार बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर कौन सा है? डीप वाटर, गहरा पानी किसके द्वारा? डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो गहरे पानी की जो है हमने कहानी बता चुके हुए हैं। आगे चलते हैं, इससे पहला क्वेश्चन है। और इस वीक के पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे आए होंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। बच्चे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था? तो बच्चे पानी से उनको डर लगता था ना, वही तो डगलस का डर हो गया। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में पानी का डर कैसे आया? तो प्यारे दो बार आया था, एक जब 3-4 साल के थे, जब उसके अपने पिता के साथ गए थे तो समुद्र की लहरें आई तो लहरें के अंदर जो चले गए थे, पहला डर। दूसरा डर कब था कि जब वह तैर रहे थे, तैरने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बड़ा जो है बड़ा लड़का उन्हें जो है तालाब में ढकेल देता है, डूब ही गए थे, लगभग मरने ही वाले थे, किसी तरह किसी ने बचा लिया, दूसरा डर। तो ये दो डर थे जो उनके जीवन में बुरी तरह से उन्हें परेशान कर रहे थे। तो यही पूछे हुए हैं पैरचे, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था, हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, या डगलस के जीवन में कैसे आया? तो पैरचे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द फियर ऑफ डगलस वाज, मींस डगलस का डर था, रिलेटेड टू वाटर, मींस पानी से संबंधित, डगलस का डर पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन एक्सीडेंट वंस, एक दुर्घटना घटित हो गई थी, वंस मींस एक बार, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल के एक बच्चे थे तब एक घटना घटित हुई थी। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे, ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर, वह अपने पिता को पकड़े हुए थे, व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, जब उन्हें लहर ने अपने ऊपर नॉक्ड हिम डाउन मींस उसे गिरा दी थी, जब लहर ने उन्हें गिरा दी हुई थी, मींस विलियम सी डगलस को जब गिरा दी हुई थी, तो जो है वह अपने पिता के हाथों को पकड़े हुए थे, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और लहर उनके ऊपर से गुजर गई, मींस पानी के नीचे आ गए, लहर इनके ऊपर से गुजर गई, हाथ तो मान लो पकड़े हुए हैं लेकिन जो है लहर इनके ऊपर से गुजर गई। He buried into the water, वह पानी के अंदर दफन हो गए, मीन्स नीचे चले गए, but nothing serious happened, लेकिन कोई खास घटना नहीं घटित हुई थी, as water returned to the sea immediately, जैसा कि पानी जो है दोबारा पुनः समुद्र में वापस चला गया था। भाई लहर आती है तो एक बार आती है फिर दोबारा अंदर समुद्र में चली जाती है ना, तो वही बात है, दोबारा वापस पानी चला गया, लेकिन जो है कुछ सेकंड के लिए तो दफन हो गए थे, इस बात से इनका डर बन गया था। बट डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, लेकिन डगलस जो है अत्यधिक रूप से डर गए थे, फ्रॉम दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी वाटर, पानी के तीव्र प्रभाव से, पानी के तीव्र प्रभाव से डगलस क्या हो गए थे, डर गए थे।
सेकेंडली ये तो पहली बार हो गया था, दूसरी बात कब हुआ था, सेकेंडली दूसरी बार एट द पूल मीन्स तालाब में, डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, डगलस दूसरे का इंतजार कर रहे थे, मीन्स वो अकेले उस समय थे, वो इंतजार कर रहे थे कोई अन्य बच्ची आ जाए तब जो है तैरते हैं। तो एंड अ बिग ब्रूसियर अ बॉय, एक बड़ा जो है भारी भरकम लड़का केम दियर वहां पर आया एंड थ्रू डगलस इन टू द पूल जस्ट फॉर फन, और केवल मजाक के लिए डगलस को कहाँ फेंक दिया, पुल के अंदर फेंक दिया। और पुल कितने लंबा, कितना मीटर का लंबाई था, उसका गहराई था जो सैलो इंड था कितना गहराई था, 2-3 फीट का, और जो है जो डीप इंड था वो कितना गहराई थी, 9 फीट का था। तो 9 फीट वाली की तरफ इसे जो है उस बिग ब्रूसियर बच्चे ने क्या कर दिया, लड़की ने फेंक दिया। एट दैट टाइम उस समय डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, डगलस उस समय स्विमिंग तैरना नहीं जानते थे एंड नियर बाई ड्रॉन्ड, और लगभग डूब ही गए थे, और उस समय लगभग डूब ही गए थे। हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ, बहुमुश्किलन किसी ने उनके जीवन को बचाया एंड ही कुड एस्केप, और वह बच सके, किसी ने उनके जीवन को किसी तरह से बचाया और वो बच सके। सो इसलिए इन डगलस लाइफ, डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम द वाटर, जो है सबसे अधिक उन्हें डर पानी से लगता था। दाऊ यद्यपि लेटर बाय हिज विल पावर, यद्यपि बाद में अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स और लगातार प्रयासों से डगलस ओन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने जो है इस पानी का जो डर था उससे विजय प्राप्त किए एंड बीकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक एक्सपर्ट स्विमर बन गए, मिस एक विशेषज्ञ स्विमर, मिस तैराक बन गए। तो फिर बच्चे ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और यह डगलस के जीवन में कैसे आया। तो सिंपल सी बात है, डगलस का डर पानी से था, डगलस के जीवन में कैसे डर आया था, दो घटनाओं से आया हुआ था। दो घटना में पहली घटना थी जब बचपन में 2-3-4 साल के थे, पहली घटना समुद्र की लहरें उनके ऊपर से गुजर गई थी। दूसरी घटना कब घटित हुई थी, दूसरी घटना तब घटित हुई थी जब वह 11-12 साल के थे, तो तालाब की जो है तालाब के पास अकेले खड़े थे, तभी एक बड़ा ब्रिक ब्रूशियर लड़का आता है, वह जो है उन्हें धकेल देता है तो पानी में चले जाते हैं, तो मरने ही वाले थे तभी किसी ने बचा लिया। तो ए पैरचे दो डर होता है जो उनके जीवन में क्या हो जाता है, बन जाता है। ए आपका हो गया, आगे चलते हैं, आगे छठा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पैरचे तेज चल रहे हैं इसलिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, लिमिटेड समय है, तो पैरचे इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मिस डगलस ने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या डिसाइड, क्या निर्णय लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर, एक तैराक बनने के लिए डगलस को कितने समय लगे। तो प्यारे वह इस डर से ओवरकम करने के लिए क्या डिसीजन लिए हुए थे, एक तैराक करने के लिए जो है वह इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने के लिए सोचे ना, मिस एक गुरु, मिस इंस्ट्रक्टर मिस गुरु कह सकते हो, मिस एक तैराकी सिखाने वाला जो टीचर होता है उसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने प्लान किए हुए थे ना, और व्यवस्था किए हुए भी थे तैराकी सीखने के लिए, तो वही व्यवस्था किए थे ना। तो वही उत्तर देखते हैं, देखो यहां पर है, डगलस वाज अ पर्सन, डगलस एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति थे हु अनफॉर्चूनेटली, जो दुर्भाग्यवश फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, एक न चाही हुई न उम्मीद की हुई दशा को फेस किए थे, सामना किए थे इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में न चाही हुई न उम्मीद की हुई एक ऐसे जो है स्थिति का दुर्भाग्यवश सामना किए हुए थे। टू इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपना के दो इंसिडेंट, दो घटनाएं विथ दी वाटर, पानी के साथ, मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, पानी से उन्हें हमेशा के लिए क्या कर दी थी, भयभीत कर दी हुई थी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक ही स्टेड फार फ्रॉम दी वाटर, वह पानी से बहुत दूर रहते थे, और बहुत लंबे समय तक पानी से बहुत दूर रहते थे। लेटर बाई दी इनर इंस्पायरेशन, और बाद में अपनी स्वतः आत्मप्रेरणा के द्वारा एंड अट्रैक्शन टूवर्ड्स वाटर, और पानी के पर जो उनका लगाव था, कंपेल्ड उन्हें मजबूर कर दिया हिम टू गो टू क्लोज द वाटर अगेन, पुनः पानी के करीब जाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और उन्होंने विजय प्राप्त की, किस पे, जो डर था पानी के प्रति, जो डर था उस पे उन्होंने विजय प्राप्त की। ही लर्न स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग तैराकी सीख लिया एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ हर कोच, एक कोच के दिशा निर्देशन में, सुपरविजन मींस होता है दिशा निर्देशन में, एक कोच के दिशा निर्देशन में उन्होंने तैराकी सीखी। बट स्टिल ही हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी कुछ रेसिडुअल मींस होता है कुछ, डाउट्स मींस संदेह, अभी भी कुछ संदेह बचे हुए थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडुअल डाउट्स,
और उन कुछ संदेशों को दूर करने के लिए ही वेंट टू मैनी लेक्स, वे बहुत सारी झीलों में गए एंड आइसलैंड्स और द्वीपों में गए, बहुत सारी झील और द्वीपों में वह गए, और गए मीन्स क्या, तैरने के लिए गए, ऐसे नहीं चले गए, तैरने के लिए चले गए। और डिफरेंट लोकेशन बहुत सारी जो है स्थानों पर गए, ही स्वयं माइल्स ऑफ डिस्टेंस वह कई मीलों तक तैरते रहते थे, क्रास्ड होल दी लेक्स लेक्स अप एंड डाउन, मीन्स पूरी झील को ही ऊपर नीचे करके वह क्रॉस कर चुके थे, वेंट टू दी मीडो जो चरागाह तक जाती थी, मिस मैदान तक जाती थी, ग्लेशियर तक जाती थी, गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, इससे वह जो है अत्यधिक आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिए, एंड एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, आत्मविश्वास और अनुभव इससे उनके अंदर आ गया। समटाइम्स व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ वाटर, जब कभी वह पानी के अंदर होते, द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो पुराना भय आ जाता था, बट ही पुट हिज फेस अंडर, मीन्स वह पुनः अपने चेहरे को पानी के अंदर डालते, एंड लाफ्ड और मुस्कुराते, जब डर आता था तो पानी के अंदर चेहरे को डाल करके मुस्कुराते, सिर कहते, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, मीन्स तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, कहते हैं कि आतंक ये बताओ तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। दी टेरर फ्लेड, उसके बाद जो है आतंक भाग जाता था, डर भाग जाता था, एंड ही स्वयं आन और इतर करके बाहर आ जाते थे, दस विथ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स, इसलिए लंबे और समर्पित जो है प्रयासों के द्वारा डगलस बीकम एन एक्सपर्ट स्विमर, डगलस जो है एक तैराक एक्सपर्ट विशेषज्ञ तैराक हो गए। इट टूक अबाउट 11 to 12 months, यह जो है उन्हें लगभग 11 to 12 महीने लग गया टू बीकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, एक विश्वासी जो है स्विमर बनने के लिए, तैराक बनने के लिए 11 to 12 महीने लग गए। ए पी अच्छी आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस क्या डिसाइड, क्या निर्णय लेते हैं जो है इस डर से दूर करने के लिए, तो सिंपल से बात है क्या डिसीजन लेते हैं, एक जो है कि स्विमर की उन्होंने व्यवस्था किया था, तैराक की व्यवस्था किया हुआ था, इंस्ट्रक्टर जिसे कहेंगे, इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए हुए थे, और उन्हें सिखाया जो है डगलस को सिखाया, उसके बाद इस चीज़ को जो है प्रूफ करने के लिए कई जो है झीलों में जो है तैरे, कई आइसलैंड में तैरे, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। ए पी आर जी आपका हो गया, अब चलते हैं आपका अगले चैप्टर पे, अगला चैप्टर आपका कौन सा है, रैट ट्रैप। थोड़ा सा तेज चले पी आर जी, तेज चलने के पीछे मजबूरी है, आपके पास समय बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा सा तेज चल के केवल आपके दिमाग में कंटस्ट कराने की, याद कराने की हर चैप्टर की कोशिश कर रहे हैं, एक बार मेमोराइज हो जाएगा हर चैप्टर की कहानी, जैसे कोई चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है तो आपको उस चैप्टर की सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगे, तो इसलिए मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं पर्चे, ये बहुत जरूरी होता है अंतिम में। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 दी रैट ट्रैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पर्चे, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर क्लास 12th के हर एक बच्चे तक कर देंगे। आगे क्वेश्चन पे अच्छे, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ विद द स्ट्रेंजर, विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, उस अजनबी के साथ आयरन मास्टर के घर, उस लव व्यापारी के घर, उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ, हाउ वाज ही ट्रीटेड एडला विल्मिंसन, कैसे जो है एडला विल्मिंसन के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया गया, मीन्स उसके साथ एडला विल्मिंसन के द्वारा कैसे व्यवहार किया गया, तो फिर अच्छे कैसे ट्रीट किया गया, एक बार जो है वह सीधे निकाल देता है ना, जब लव व्यापारी पहचान लेता है कि हमारा दोस्त नहीं है, वह उसको निकालने के लिए तैयार हो जाता है ना, भगाता है अपने घरवा से ना, तब बिटियो आकर के रोकती है, बाऊजी ऐसा मत करिए जो है, ये ऐसे दिन आया हुआ है कि क्रिसमस है, कोई क्रिसमस रात नहीं है और गरीब बेचारा है, तो इसलिए इसे यहीं रहने देते हैं एक दिन के लिए, तो एडला विल्मिंसन इस तरह से उसके प्रति सिंपैथी दिखाई हुई थी, और सिंपैथी के साथ साथ वो अच्छा भोजन भी उसे खिलाई हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी, ये हुआ। आप देखो इसका उत्तर देखो, व्हेन दी स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, जब स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी क्लीन मीन्स एकदम साफ सुथरा हो गया, वेल ड्रेस्ड मीन्स अच्छा कपड़ा पहन लिया, द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो आयरन मास्टर उसे पहचान लेता है, दैट द पर्सन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टील, कि वह यह पर्सन कैप्टन वॉन स्टील नहीं है, मीन्स जिस व्यक्ति को वे समझ रहे थे वह व्यक्ति नहीं है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, वह अजनबी भी उसे जो है कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं किया, डिसिमुलेट मीन्स होता है छल कपट करना, वह भी अजनबी कोई छल कपट करने की कोशिश नहीं किया, ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है सर, आई नेवर प्रिटेंटेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी कुछ भी छिपाया नहीं, बट अ पुअर ट्रेडर, हमने हमेशा कहा हुआ है कि गरीब व्यापारी है, हमने हमेशा कहा हुआ था कि हम एक गरीब व्यापारी हैं। द आयरन मास्टर ने कहा,
यू कैन गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, तुम यहाँ से उतना ही तेजी से जा सकते हो जितना तुम तेजी से जा सको, मीन्स तुम यहाँ से इतना जल्दी ही निकल जाओ जितना तेजी से तुम निकल सकते हो। आगे देखो, बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉक्टर एडला सेड, मीन्स जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था एडला ने कहा, मीन्स जो है आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मसन, आई थिंक ही आर टू स्टे विथ अस टूडे, मैं सोचती हूँ कि यह आज इसे यहीं पर रुकना चाहिए। तो एडला विल्मसन कहती है कि मैं सोचती हूँ इसे आज यहीं पर रुकना चाहिए। एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्टेंजर, मीन्स अजनबी के साथ एडला बड़ी दयालुतापूर्वक व्यवहार करती हैं। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडर, मीन्स वह उस जो है गरीब जो है गरीब और भूखे भूखे जो है पेडर के लिए, मीन्स फेरी वाले के लिए अच्छा खासा भोजन बनाती हैं। सी गेव हिम टू ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, वह क्रिसमस की जो है फिश मछली देते हैं खाने के लिए, एंड पोरिज मीन्स और दलिया देती है खाने के लिए, मीन्स उसको वह जो है क्रिसमस की फिश और पोरिज देती है खाने के लिए। तो प्यार बच्चे ये हो गया एडला विल्मसन के उसके प्रति व्यवहार हो गया, और जो है उसके बाद एक क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि घटित क्या हुआ था आयरन मास्टर के घर, क्या घटित हुआ था। तो प्यार बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, और सारे क्वेश्चन केवल आप समझोगे, रटोगे नहीं प्यार बच्चे, रट नहीं पाओगे, अब समय रटने का नहीं है, आप केवल समझोगे। आपके एग्जाम में आए तो आप बना करके इसी तरह से लिख देना, आपको रटने नहीं है प्यार बच्चे, आपको केवल समझने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ व्हेन द पेडलर स्टोल दी मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, जब जो है पेडलर जो है उस क्राफ्टर उस किसान के घर से पैसा चुरा लिया तो क्या घटित हुआ। व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस, किस प्रकार की समस्या का वह सामना किया आफ्टर इट मीन्स इसके बाद, एंड हाउ डिड ही एस्केप, और बचा कैसे। तो प्यार बच्चे सिंपल सा, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द, क्या घटित हुआ था, तो घटित ही हुआ था कि जब वह जा रहा था तो मेन सड़क से ना होकर के वह जंगल वाली सड़क पकड़ लेता है, जंगल में जाकर के खो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जाकर के खो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचता है कि हम तो अब तो जो है हम भी दुनिया के जो जाल में फंस चुके हैं, ठीक है, तो वो जो अपना उसका गढ़ा हुआ रहता है वो कहता है हम भी उसमें फंस चुके हैं। उसके बाद उसे समझ नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं, रास्ता इतना कन्फ्यूजिंग रास्ता था, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी जो है उसे आवाज़ सुनाई देती, थंपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, मीन्स जो है थंपिंग मीन्स होता है धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह देखता है कि आयरन वर्क्स जो है बगल में है, तो वहाँ पर जा करके वह ठहर जाता है, इस तरह से वह बचता है। ये प्यार बच्चे हो जाएगा, अब देखो वही लिखे हुए हैं, व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी, जब पेडलर पैसे को चुरा लेता है फ्रॉम क्राफ्टर के घर से, ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, वह पॉकेट में जो है पैसे को रख करके चल देता है, एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, और बहुत प्रसन्न होता है विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी से और बहुत प्रसन्न होता है। He dared not running continue on the public highway. वह public highway means main रास्ते से चलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, so he turned into the woods. इसलिए वह जंगल में मुड़ गया, मीन्स जंगल वाले रास्ते से रास्ते की तरफ वह मुड़ गया। During his first hour मीन्स शुरुआती घंटे में, this caused him no difficulty, मीन्स कोई समस्या नहीं हुई, शुरुआती समय में कोई समस्या नहीं हुई। Later in the day, लेकिन बाद में जो है it became worse, यह बुरा हो गया। For it was a big and confusing forest, उसके लिए एक बड़ा और जो है कंफ्यूजिंग मीन्स दुविधा पैदा करने वाला यह जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह क्या कर गया था, प्रवेश कर गया था, जिस जंगल में वह प्रवेश कर गया था वह जंगल उसके लिए दुविधा पैदा करने वाला, बड़ा और दुविधा पैदा करने वाला जंगल था। द होल फॉरेस्ट मीन्स पूरा जंगल, विथ हिज ट्रंक्स इसके तना के साथ, एंड ब्रांचेज और इसकी शाखा के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लंग्स इसके गिरे हुए लठर के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेंट्रेबल प्रिजन, वह उसे भेद जेल के समान उसे क्या कर ली हुई थी, क्लोज कर ली थी, बंद कर ली हुई थी। ये जो सारी चीजें थी पूरा जंगल उसे अभेद, इम्पेंट्रेबल मीन्स होता अभेद, अभेद जो है प्रिजन मीन्स जेल, जेल के समान उस सारी चीजें उसे बंद कर ली थी, कैद कर ली हुई थी। From which he could never escape, जहाँ से वह कभी बच नहीं सकता था। अभेद जेल में से कोई कभी बच पाया है तो यही बात है, उसे अभेद जेल प्रतीत हो रही थी जहाँ से कोई कभी बच नहीं पाया था। He escaped, वह बच निकला। आगे पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वह कैसे बच निकला वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, He escaped, वह बच निकला। When he heard, जब वह सुनता है regular hard thumping sound, लगातार मजबूत थम्पिंग में धमाके की आवाज जब सुनता है, स्टैगर्ड इनटू उस तरह से लड़खड़ा उस तरफ लड़खड़ा करके जाता है, दैट डायरेक्शन में उस दिशा में लड़खड़ा करके जाता है, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा करके जाता है, एंड गॉट शेल्टर इन रामसे आयरन वर्क्स,
और रामसी आयरन वर्क्स में जाकर के शरण लेता है, तो इस प्रकार से उसका जीवन बच जाता है। तो प्यार ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्या हो गया आठवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर हाउस, जब क्रॉफ्टर के घर से जो है पेडलर पैसा चुराया था तब क्या घटित हुआ था, व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट, उसके बाद वह किस प्रकार की समस्या का सामना किया, एंड हाउ डिड ही एस्केप, और कैसे बचा हुआ था, तो कैसे बचा हुआ था कि जो है कि उसी रामसी आयरन वर्क्स में जाकर के बच गया था, मींस नहीं तो वह तो जंगल में ही खो जाता, खोने के बाद पता नहीं क्या होता। ए पैपचे हो गया आपका, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके रेड ट्रैप से, दो क्वेश्चन हो गए। अब आपका अंतिम चैप्टर है इंडिगो, इंडिगो से पैपचे दो क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इंडिगो से जल्दी से देखते हैं दो क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यहां पर कहानी किसकी है, गांधी जी की, और किसकी कहानी है, राजकुमार शुक्ला की। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला की कहानी किसमें है, इंडिगो चैप्टर में आपका गांधी जी और राम जो है राजकुमार शुक्ला की कहानी है। मींस किस पे दिक्कत थी, जो है इंडिको खेती पे दिक्कत थी, नील की खेती पे समस्या थी, जिसका समाधान गांधी जी ने किया हुआ था। कहां की घटना थी, चंपारण की घटना थी। पहले ए हो गया, इंडिको चैप्टर हो गया। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो पहले राजकुमार शुक्ला कौन था, बटाईदार था ना, चंपारण का बटाईदार था ना, बिहार में चंपारण का बटाईदार किसान था ना राजकुमार शुक्ला। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप में आए, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आए, कहीं ना कहीं 100% श्योर है आ जाएगा पैरचे, हुआ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। जितनी क्वेश्चन कराए हुए पैरचे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, आप जब बोर्ड परीक्षा दे के आएंगे ना तब आपको एहसास होगा कि सर ने जो बात कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। तो पैरचे सभी इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए और एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। भले जो है लिखो मत, कुछ मत करो, अब केवल आपको क्लास अब देखनी है, ठीक है, लिखना उखना नहीं है, बहुत लिख चुके हो। आगे चलते हैं पैरचे, आगे है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पहले लिखाए थे तो उससे जो है नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पैरचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है, ये भी सही है, केवल लिखने का तरीका बदला हुआ है, बस इतना ही है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। आगे है इसमें देखो, पहले क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका, हाँ, हुआ राजकुमार शुक्ला होगा, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह गांधी जी से मिलने का डिसीजन क्यों लेते हैं, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते हैं, तो उनका जो है इंडिको की समस्या थी इससे मिलना चाहते हैं। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, गांधी जी के साथ ही नहीं छोड़ा हुआ था, गांधी जी से के साथ हमेशा लगे हुए थे, जहां जहां गांधी जी जाते थे पीछे पीछे लगे हुए थे, राजकुमार जो है वो सत्वा ही नहीं छोड़ा, तो इसलिए जो है गांधी जी को भी मजबूरन कहना पड़ा, उसके धैर्य से वह जो है भी प्रसन्न हुए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था, एक डेट दिए हुए थे कि भैया हम इस दिन चंपारण आएंगे। अब जल्दी से पहले इसका उत्तर देखो, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, बिहार में जो बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान था। His specialty was that he was elated but resolute for his decision. मीन्स उसकी विशेषता यह थी कि वह अनपढ़ था लेकिन अपने डिसीजन पे, अपने निर्णय पे दृढ़ रहने वाला व्यक्ति था। He decided to meet Gandhi ji to resolve the problem of शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मेड by the landlords. अब ध्यान देना, ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, वह गांधी जी से मिलने का निर्णय लेता है, टू रिजोल्व मीन्स निराकरण करने के लिए दी प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, जो बटाईदारी की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को, शेयर क्रॉपिंग की जो व्यवस्था थी उसको जो है समाप्त करने के लिए, उस समस्या को बताने के लिए वह गांधी जी से मिलने का डिसीजन करता है, मेड बाई दी लैंडलॉर्ड्स, जो शेयर क्रॉपिंग किसके द्वारा किया जाता था, जमींदारों के द्वारा की जाता था, तो इस समस्या को बताने के लिए वह गांधी जी से मिलने का डिसीजन करता है। Somebody had probably told him to speak to गांधी जी, किसी ने संभवतः उससे कहा था कि अगर तुम्हारी ये समस्या है तो गांधी जी से मिलो। To fulfill his desire, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए he went to Congress session, वह कांग्रेस के अधिवेशन में गया, where गांधी जी told him that, जहाँ पर गांधी जी उससे कहे he had an appointment in Kanpur, कि एक उनका जो है अपॉइंटमेंट है, मीन्स पहले से नियत समय है, इन कानपुर, मीन्स कानपुर में उनका पहले से नियत समय है, इसलिए वे चंपारण नहीं आ सकते हैं। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि वो अन्य जो है भारत में अन्य जगहों पे जाने के लिए भी कमिटेड हो चुके हैं, मीन्स वादा कर चुके हुए हैं। बट राजकुमार शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनके साथ सभी जगह गया। He followed Gandhi ji to his आश्रम, वह गांधी जी के आश्रम में भी गया। For weeks, कई सप्ताह तक he never left Gandhi ji's side, वह गांधी जी को कहीं कभी छोड़ा नहीं,
मीन्स कई सप्ताहों तक गांधी जी को छोड़ा नहीं, एंड ही बेग्ड फिक्स डेट, और उसने विनती किया कि एक डेट क्या करिए, फिक्स कर दीजिए, मीन्स फिक्स कर दीजिए कि आप जो है चंपारण में किस तारीख को आएंगे। तो वही कह रहा है कि एक डेट क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। आगे देखिए, एंड देन इम्प्रेस्ड बाई दी शेयर क्रॉपर्स टीनेंसिटी, और जो है उसके बाद शेयर क्रॉपर्स की इस दृढ़ता, टीनेंसिटी मीन्स होता है दृढ़ता, इस दृढ़ता और इस कहानी से जो है क्या होकर के इम्प्रेस मीन्स प्रभावित होकर के, इस उस बटाईदार की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर के गांधी जी गेव हिम डेट टू विजिट चंपारण। गांधी जी उसको एक तारीख दे देते हैं कि भैया हम इस दिन चंपारण में आएंगे। दस इस प्रकार से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी लंबे समय के बाद एंड पेशेंस और धैर्य के बाद राजकुमार शुक्ला फुलफिल्ड हिज डिजायर, राजकुमार शुक्ला की इच्छा क्या हुई, पूर्ति हुई। इस प्रकार से धैर्य के साथ और लंबे समय इंतजार करने के बाद जो है राजकुमार शुक्ला की क्या हुई, इच्छा पूर्ति हुई। तो प्यार से इसीलिए कहते हैं, उत्तर कंप्लीट हो गया, इसीलिए कहते हैं कोई भी आपका काम तभी होगा जब आप लगातार लगे रहेंगे। चार दिन में कुछ नहीं होता है, चार दिन नहीं, अब वो भी राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी के पीछे पीछे लगा था जब तक गांधी जी डेट फिक्स नहीं कर दिए भैया हम चंपारण कब आएंगे। तो इसलिए भैया आपको कहीं कोई काम निकालना है ना, या फिर आपको अपनी पढ़ाई में ले लो, पढ़ाई में ले लो, अगर पढ़ाई आपको करनी है ना तो लगातार लगे रहोगे, साल भर छः महीना दो चार महीना लगातार लगे रहोगे, तब आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अभी कहो कि एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा पढ़ करके टॉप कर दें तो ये असंभव बात है, ये असंभव बात है, तो ये संभव होने वाला नहीं है। तो प्यार से ये चीज़ होती है, आपको किसी भी चीज़ में लगने पड़ते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, सिंपल सा पूछा था राजकुमार शुक्ला कौन था, तो जो है वो राजकुमार शुक्ला जो है कहाँ का, चंपारण का, जो है चंपारण का शेयर क्रॉपर था, चंपारण मीन्स बिहार में चंपारण का शेयर क्रॉपर था। आगे जो है वाई डिड ही डिसाइड टू मीट, गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि जमींदारों की जो शेयर क्रॉपिंग की व्यवस्था थी वह से परेशान था, उस समस्या को गांधी जी से बताना चाहता था। व्हाट डिड ही डू टू हिज फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने क्या किया, तो बस उसने यही किया था, गांधी जी के साथ सभी जगह गया हुआ था, जहां जहां गांधी जी गए थे वहां वहां वो भी गया हुआ था, जब तक गांधी जी ने एक डेट नहीं फिक्स कर दिया तब तक वह गांधी जी के साथ बना हुआ था। ए पी आर जी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, 10वां और अंतिम क्वेश्चन आज के जो है, आज के 10 प्रश्न में ये अंतिम क्वेश्चन है। प्यारे अंतिम क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया, टू इंप्रूव द कल्चरल मीन सांस्कृतिक एंड सोशल और सामाजिक बैकवर्डनेस मीन पिछड़ापन को इन दी चंपारण विलेज, चंपारण गांव में, चंपारण गांव में जो है इस कल्चरल मीन सामाजिक, कल्चरल में सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए जो है गांधी जी ने क्या किया हुआ था। तो गांधी जी ने बहुत कुछ किया था, चंपारण में जो है डॉक्टर की व्यवस्था की है, टीचर की व्यवस्था की है, यहाँ तक कस्तूरबा अपनी वाइफ को भी बुला लिए थे, औरतों की जो स्थिति खराब थी उसके लिए बात करने के लिए अपनी पत्नी को बुला लेते थे, इनका बेटा भी आ गया था, ये सारी कंडीशन हुई थी, ये सारी कंडीशन हुई थी प्यारे उस गांव को सुधारने के लिए गांधी जी ने किया हुआ था। अब देखो हमने कैसे लिखे हुए हैं, ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेजेस, मीन्स चंपारण विलेज, चंपारण के गांव में वह सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक पिछड़ापन गांधी जी ने वहां पर देखा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमिडिएटली, वह तुरंत यहां पर कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई, महादेव देसाई एंड नरहर पारिक, और नरहर पारिक टू यंग मैन, दो नौजवान ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल, गांधी जी को शिष्य के रूप में, मीन्स गांधी जी को अपना गुरु मान करके मीन्स शिष्य के रूप में ये लोग क्या हुए थे, ज्वाइन हुए थे, गांधी जी के साथ जुड़ गए थे, और यही दो टीचर थे। इवन दियर वीप्स वॉलंटियर फॉर दी वर्क, और यहाँ तक उनकी पत्नियाँ भी इसमें सहभागी होकर के कार्य की थी, मदद की हुई थी, मीन्स नरहर पारिक की, और जो है नरहर पारिक और जो है महादेव देसाई, इनकी पत्नियां भी क्या हो गई थी, इस काम में जुड़ गई थी। मैनी मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और अन्य जगहों से आए। गांधी जी सन देवदास, गांधी जी का बेटा देवदास आल्सो ज्वाइन देम, उनको जो है वो भी ज्वाइन किया, वो भी उनके साथ जुड़ा। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड इन 6 villages, प्राइमरी स्कूल 6 गांवों में खुले। कस्तूरबा टाट क्लीननेस, कस्तूरबा ने जो है स्वच्छता के बारे में बताया, एंड सैनिटेशन मीन्स जो है सफाई और स्वच्छता के बारे में कस्तूरबा ने उन सभी को सिखाया। प्याची हमने बहुत छोटा इसमें किए हुए हैं,
और इसे लिखना चाहो तो दो पेज लिख सकते हो। गांधी जी ने क्योंकि बहुत कुछ किया हुआ था वहाँ पर, जो है काफ़ी कुनैन की दवाई मंगाए हुए थे, काफ़ी दवाइयाँ जो मंगाए हुए थे, आप उस चीज़ को लिख सकते हो। और जो है किस तरह से नरहर पारिक को क्या जिम्मेदारी दिए हुए थे, कस्तूरबा किस तरह से जाकर के स्त्रियों से बात की हुई थी, स्त्रियाँ जो अपनी दशा बताई थी कि उनके कपड़े पर एक ही जोड़े कपड़े होते हैं, जो भी सारी चीज़ें थी, जो भी उन्होंने सुधार किया था, 6 गाँव में उन्होंने प्राइमरी स्कूल खुलवाए थे, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये साफ सफाई पर उन्होंने ध्यान दिलवाया। ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप लिखना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। प्यारे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपका 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका प्रोज वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे कल से जो क्लास मिलेगी वो आपकी पोएट्री पे क्लास मिलेगी, मीन्स पोएम वाले सेक्शन पे आपकी क्लास मिलेगी। तो प्यारे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर चैप्टर को आपको समरी देखनी है तो आपका मैराथन क्लास चल रही है दूसरे चैनल पे, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर। मैराथन क्लास किस पे चल रही है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे मैराथन क्लास चल रही है। आप वहाँ से जुड़ करके जो है आप मैराथन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से जुड़ जाना अगर किसी का समरी पढ़ना है, किस चैप्टर की समरी क्या है, ठीक है? तो ये बात हो गई, बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में मिलते हैं। और क्लास में मिलने से पहले, समाप्त करने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर भी कर देंगे। प्यार से ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। ना पूछ कि मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया हुआ है। तो प्यार से किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जाए, आपको हौसला नहीं खोना है, आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके पेपर अवश्य बढ़िया पेपर जाएंगे, बेहतरीन पेपर जाएंगे, बस आपको हिम्मत नहीं है हारनी है। तो प्यार से इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।